लाओजू जाने जाते हैं अपनी बुक के लिए जिसका कि नाम है दाओ द चिंग। वैसे इसकी जो स्पेलिंग है दैट इज टी ए ओ, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं दाओ, और दाओ का मतलब होता है द वे टू द ट्रूथ। तो लाओजू का जो पहला कोट है वो है, केयर अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक एंड यू विल ऑलवेज बी देयर प्रिजनर। क्योंकि आपकी खुशी अब किसी ना किसी और पे डिपेंड करेगी, उनकी नजरों पे डिपेंड करेगी कि वो किस नजर से आपको देख रहे हैं। उनकी नजरों में गिरे तो आप गिर गए, उनकी नजरों में उठे तो आप उठ गए। और उनका एक्चुअल में काम क्या है, दुनिया का एक्चुअल में काम क्या है, अंदर से लोग क्या चाहते हैं, आपका पड़ोसी क्या चाहता है, आपको उठाना या आपको गिराना। तो आप पूरी जिंदगी लगे रहो दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया आएगी एक मिनट में आकर के आपकी सारी जो भी मेहनत है पूरी की पूरी जिंदगी की उसकी धज्जियां उड़ा करके चली जाएगी। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है कैसे होता है, हम देखते हैं सुबह से रात तक इस चीज को। कि इंडिया में अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों को, तो वो अपनी पूरी जिंदगी गधों की तरह काम करते हैं, ऐसा काम जो उनको करना पसंद नहीं है फिर भी करते हैं। और उनसे पूछो किस लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए। मतलब पूरी जिंदगी काम किया, पैसा जोड़ा, किसमें पैसा लगाया, शादी में। अच्छा उससे क्या होगा, शादी तो कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, शादी में इतना पैसा क्यों, लाखों रुपए क्यों, ताकि दुनिया आएगी तो दुनिया में वाहवाही हो जाएगी। और वो चाहे कितनी भी बढ़िया शादी कर ले, कहीं पर भी कर ले, वहां पर लोग आते हैं कमियां निकालने के लिए कि यहां पर खाने में ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, बिल्कुल बेकार है जी, अरे इससे बढ़िया तो उनकी थी। तो अगर आप आजाद होना चाहते हो, इस दुनिया का काम क्या है, आपको बांधना, यानी कि आपकी सोच को बांधना, अगर आप आजाद होना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दुनिया की नहीं है। क्योंकि दुनिया तो आपको बांधना चाहती है। इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने है, यानी कि ये सेशन जो अभी हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है सेशन, लाओजू के ऊपर। बहुत ही कम लोग इस सेशन को देखने वाले हैं, और जो कम लोग देखेंगे उसमें से भी बहुत कम लोगों को ये समझ आने वाला है एक्चुअल में कि ये सेशन है क्या। क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे डीप होता चला जाएगा। फिर ये सेशन हो क्यों रहा है, कर क्यों रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वही बोलता हूं जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो, यानी जो आप सोच रहे हो, तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हो, आपको बड़ा मजा आएगा कि हाँ ये बंदा भी वैसे ही सोचता है जैसे कि मैं सोचता हूं। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी ईगो को बढ़ा रहे हो। बट उससे ना आपकी ग्रोथ होगी ना मेरी ग्रोथ होगी। हम कैसे ग्रो करेंगे, जब हम किसी ऐसी टेरिटरी में चले जहां पर ना आज से पहले आप कभी गए हो ना मैं गया, तो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, आप भी जो मुझे देख रहे हो और मैं भी। बट यही चैलेंज है, और उस चैलेंज की वजह से हम दोनों ग्रो कर जाएंगे। ये मेरा मोटिव है इन सेशंस को करने का। नेक्स्ट कोट इज, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। किस स्ट्रेंथ की बात यहां पर करी जा रही है, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ की? नहीं, क्योंकि फिजिकली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन वो जानवरों को गुलाम बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। सर्कस में हम शेर को नचा देते हैं, हाथी को नचा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कैसे कर देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ? नहीं। क्या है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? उसका माइंड, उसका थॉट। और सिर्फ माइंड और थॉट नहीं, क्योंकि माइंड और थॉट क्या है, ब्रेन, उसके अंदर कुछ थॉट्स चलते हैं, वो तो सबके पास है। तो क्या सारे जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे इक्वली स्ट्रांग है? नहीं। तो सिर्फ ब्रेन से कुछ नहीं होता है, सिर्फ थॉट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ माइंड से कुछ नहीं होता है, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन राइट अंडरस्टैंडिंग, तभी आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। यही स्ट्रेंथ है। पूरी की पूरी साइंस को अगर एक वर्ड में बोलना हो वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। एंड साइंस इज पावर, साइंस इज स्ट्रेंथ। साइंटिफिकली हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अनसाइंटिफिकली करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि समझते कैसे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग क्या है। कुछ भी अगर हमको समझना है, फिर आप चाहे एक स्टूडेंट हो और किसी क्लासरूम में बैठे हो और आपको कुछ समझना है कि जो प्रोफेसर है सामने लेक्चर दे रहा है वो क्या कह रहा है, अगर उसको आप समझ पाते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। बिजनेस आप कर रहे हो, अगर समझ पाते हो कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको क्या चाहिए, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है, मतलब क्या कि सामने वाला जो पर्सन है उसको आप समझ पा रहे हो। तो वॉट इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जरूरी है, समझते कैसे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, उसका ग्राउंड क्या है। साइलेंस, दो तरह का साइलेंस, एक बाहर से साइलेंस यानी बोलना कम है सुनना ज्यादा है,
तब बोलना है जब जरूरी है, उतना बोलना है जितना जरूरी है, नहीं है तो चुप रहो, क्योंकि अगर आप बोलते ही रहोगे तो सुनोगे कैसे, और जब सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे। सोचो जो सुबह से रात तक बड़बड़ 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 बोलता ही रहेगा, वो समझेगा कैसे कि जो मैं बोल रहा हूं उसका कोई मतलब भी है या ऐसे ही मैं कुछ भी बोलता चला जा रहा हूं। तो दो तरह का साइलेंस चाहिए, एक अपनी जबान पे कंट्रोल होना चाहिए, दैट इज साइलेंस। दूसरा साइलेंस अंदर, कभी ऑब्जर्व किया हम अपने अंदर ही अंदर कितना बोलते हैं सुबह से रात तक, उस बोलने को ही सोचना कहते हैं। अंदर चुप कैसे रहते हैं और बाहर चुप कैसे रहते हैं, अगर ये दोनों आपको आ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। क्यों? क्योंकि अब आप समझने के लिए तैयार हो, अब आप कुछ भी समझ सकते हो, क्योंकि समझने के लिए देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा बिना बोले। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बोल रहा हूं यहां से, अगर आप भी अपने अंदर ही अंदर बोलते चले जा रहे हो तो आप वो कैसे समझोगे या वो कैसे सुनोगे जो मैं बोल रहा हूं, आप तो बस अपने ही थॉट्स पे उलझे रह जाओगे। इंसान की सबसे बड़ी पावर है अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन रियलिटी, दैट इज द बिगेस्ट पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यू कैन इवन कॉल इट साइंटिफिक थिंकिंग, अनसाइंटिफिक थिंकिंग इज नॉट पावर, वो तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है कि आदमी कुछ भी सोच रहा है। एक इंसान के अंदर जो भी वीकनेसेस है उसकी जड़ क्या है, और जो भी स्ट्रेंथ है उसकी जड़ क्या है, जो भी वीकनेसेस है उसकी जड़ है रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, फेलियर्स की जड़ क्या है। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें बार बार फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक समझ नहीं आया है कि उस काम को कैसे करें, और फेलियर का क्या मतलब है। फेलियर का मतलब ये थोड़ी है कि वो काम हो ही नहीं सकता, अरे बहुत लोग और भी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, इसका मतलब उनको समझ आ गया आपको नहीं आया है। समझ से ही सब कुछ होता है, बिना समझे कुछ भी नहीं होता। दुनिया में छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम प्रॉपरली पहले समझा जाता है, फिर उसके बेस पे प्लान बनाया जाता है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सारा खेल किसका है? समझ का है। और समझ के लिए क्या चाहिए? साइलेंस चाहिए। द नेक्स्ट कोट इज द बेस्ट फाइटर इज नेवर एंग्री। गुस्सा क्या है अगर शोर नहीं है तो? जब हमें गुस्सा आता है, कभी ऑब्जर्व किया क्या होता है? आदमी शोर मचाने लगता है, बाहर से भी और अंदर से भी, चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, पागलों जैसे बिहेव करने लग जाता है। इनफैक्ट आदमी को खुद को बाद में रियलाइज होता है कि ये मुझे क्या हो गया था, उसको ये तक विश्वास नहीं होता है कि ये मैं ही था। आदमी डर जाता है अपनी उस डार्क साइड को देख करके, अपने उस पागलपन को देख करके आदमी खुद ही घबरा जाता है, कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। तो गुस्से में क्या होता है, आदमी अपनी सुध-बुध खो देता है, शोर मचाने लगता है बाहर से। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर आप बाहर शोर नहीं मचा सकते, यानी सामने वाला अगर आपसे कमजोर है तो आप क्या करोगे? चीखोगे, चिल्लाओगे या मारोगे, पीटोगे, किसी भी तरीके से सामने वाले को दबाओगे, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करोगे। लेकिन अगर सामने वाला आपसे पावरफुल है, तो मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपका बॉस है, आप चीख तो सकते नहीं वहां पर, चिल्ला तो सकते नहीं, उसको क्या करोगे? अंदर शोर मचाने लग जाओगे। दोनों ही केस में शोर है। इस शोर की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? मान लो एक रिंग है, वहां पर लड़ाई चल रही है, दो ओपोनेंट्स हैं, एक है जो बिल्कुल ही साइलेंट है अंदर से भी और बाहर से भी, वो क्या कर रहा है? वो अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा है जिसके अंदर शोर है, शोर का मतलब क्या? गुस्सा है, वो अपनी ईगो के लिए लड़ रहा है। तो जहां ईगो होगी वहां पर गुस्सा आना ही आना है, उसके अंदर मैं है बहुत ही पावरफुल, तो उस मैं की वजह से अंदर शोर मचा पड़ा है। तो शोर की वजह से क्या होगा? वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उसके मूव्स को वो देख नहीं पाएगा। तो जब देख नहीं पाएगा तो खुद को डिफेंड कैसे करेगा? वो सिर्फ अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो बंदा साइलेंट है, उसको सब कुछ नजर आ रहा है, उसका जो अटैक है वो उसको स्लो मोशन में नजर आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर से साइलेंट है, ये एक साइलेंट फाइटर है। वो बड़े आराम से उसके अटैक को आते हुए देखेगा, हल्का सा साइड होगा, बचेगा और उसको अटैक करेगा, तो वो बच भी नहीं पाएगा। तो अगर लाइफ में हमको कुछ भी करना है, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना है, तो हमें यह सीखना होगा कि बिना किसी शोर के किस तरह से हम साइलेंटली उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें। और साइलेंट कैसे होते हैं?
साइलेंट होते हैं जब हमारे अंदर जो मैं है उस मैं से हम फ्री हो जाते हैं। उस मैं की वजह से ही तो शोर होता है। जो गुस्सा है वो किस पे टिका है? मैं पे। गुस्सा किसको आता है? मुझको आता है। डर किसको लगता है? मुझको लगता है। लालच किसके अंदर है? मैं के अंदर है। तो अगर आप मैं से फ्री हो गए तब आप कुछ ऐसा देख सकते हो जो आपके बियॉन्ड है। आप क्या हो? जो आपके छोटे से भेजे के अंदर घूमता रहता है वही तो आप हो। तो बस उसी में जियोगे, उसी में मरोगे। अगर उसके बियॉन्ड कुछ जानना है तो उसी से फ्री होना होगा जिसको आप मैं बोलते हो। तो कैन यू ऑब्जर्व विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ योर ईगो? ये मैं ही ईगो है। क्या आप खुद को बीच में से हटा करके देख सकते हो? तब आप एज इट इज देख सकते हो। अगर मैं के थ्रू देखोगे, ये मैं मतलब क्या? मैं का चश्मा। किसी ने हरा चश्मा लगा लिया, किसी ने नीला, किसी ने पीला, तो एक को दुनिया हरी नजर आ रही है, एक को नीली, एक को पीली, तो सबकी दुनिया अलग अलग है। और वहीं पे आदमी जीता है, वहीं पे मरता है कि मेरे लिए दुनिया मतलब ये। एक्चुअल में तो कभी देखते ही नहीं है, पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन देख नहीं पाते। तो साइलेंस का मतलब क्या है? मैं से फ्री होना। मैं से फ्री होने के बाद में क्या बचता है? शांति बचती है। वो शांति में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। उस ऑब्जर्वेशन की वजह से क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होती है। और अंडरस्टैंडिंग क्या है? पावर है। अंडरस्टैंडिंग से बड़ी कोई पावर नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।